अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी पंजाबी कढ़ी। चलिए, ये मैंने लिए दही और अब मैं इसके अंदर डालती हूँ बेसन। बेसन मैं इसके अंदर डालूँगी 4 टेबलस्पून। पहले मैं इसको वैसे ही मिक्स करूंगी, फिर थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। बेसन और दही को थोड़ा सा मिक्स किया है, अब मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला है। अब मैं दोबारा इसको चला दी। ये देखें, बहुत अच्छी तरह ये मिक्स हो गया। अब हम मसाला तैयार करते हैं कढ़ी के लिए। ऑयल डाला है मैंने 2 टेबलस्पून। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। टीस्पून सफेद जीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून राई दाना, 1 मिनट ही हमें भूनना है। तो डालूंगी 1 टेबलस्पून गार्लिक। चलिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। 1 छोटा प्याज मैंने लिया, उसको भी मैंने 1/2 जो है ना काटा है, बस थोड़ा सा हो। अभी मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी डालना है, ताकि जो मैंने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं, जीरा वगैरह, लहसुन, वो जल ना जाए। तो इसके अंदर अब मैं बाकी जो मसाले हैं वो डाल दूँगी। ठीक है, चलिए 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून हल्दी, 1 हरी मिर्च है उसको मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब मैं इसको 2 मिनट भूनूंगी, फिर इसके अंदर बाकी चीजें डाल दूंगी। मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुके हैं, तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ जो मैंने बेसन और दही का मिक्सर बनाया था वो। ठीक है, तो साथ ही मैंने 1 कप दही और लिया था, उसके अंदर पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लिया, लस्सी की तरह बनाकर वो भी मैंने रख लिया था, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो 1 कप पहले मैंने दही ली थी, 1 कप अब मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, इस तरह समझे 2 कप दही गई है। तो अभी मैं इसके अंदर पानी और थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि ये गाढ़ी ना हो, फिर पकते पकते भी तो इसका पानी खुश्क होगा तो फिर इतनी गाढ़ी हो जाएगी। 2 कप पानी मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ। ठीक है, तो
अभी मैंने नमक नहीं डाला। ये देखें जी कड़ी, पूरा एक घंटा हो गया मैंने इसको अच्छी तरह पकाया ताकि बेसन का जो जायका है वो ना आए। और अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। पकोड़े हम इसमें डालेंगे और फिर हम साथ ही इसका तड़का तैयार करेंगे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि नमक हम बाद में डालेंगे, तो अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डालने लगी हूँ। चलें जी, कड़ी हमारी तकरीबन रेडी है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। उसके लिए ये मैंने पालक ली है, ये देखिए आप, एक मुट्ठी भर कर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा चॉप करूँगी। इसको भी हम काट लेंगे। तो मैंने आधा डाला था कड़ी में, तो ये आधा जो है ना मैं पकौड़े में डाल दूंगी। मैं जो पकोड़े हैं ना, ये कड़ी के, ये मैं बिल्कुल सादा से नहीं बनाती। आम जैसे हम पकोड़े घर में बनाते हैं वैसे बनाती हूँ। काट लूँगी। छोटे छोटे पीसेस में, स्लाइसेस में काटूंगी ताकि अच्छी तरह पकौड़ों में गल भी जाएं। छोटे छोटे पीस होंगे तो अच्छे भी लगेंगे। ये मैंने आलू काट लिए हैं, अब मैं इनको धोकर तो पालक में डालूंगी, क्योंकि पालक, धनिया, प्याज वो धुले हुए थे और इनको धोकर मैं उसके अंदर डालूंगी। अब हम पहले मसाले डालेंगे फिर बेसन डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून क्रश पेपर, अजवाइन 1/4 टीस्पून, अब मैं इसके अंदर बेसन डालूंगी। एक कप मैंने इसके अंदर डाल दिया बेसन। ठीक है, अब मैं इन सारी चीजों को मिक्स करूंगी। पहले मैं इसको सारा मिक्स करूंगी, फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे।
थोड़ा थोड़ा कर कर पानी मिक्स करेंगे हम इसके अंदर, ताकि ये जो बैटर है ये पतला ना हो जाए। ये देखें हमने ये पकौड़े इस तरीके से बनाने हैं, ये इस तरह का बैटर हमें चाहिए। ऑयल डाल रहे कढ़ाई में, इसको गर्म होने के रखा हुआ है, आप पकौड़े डालेंगे। अभी सही गर्म नहीं हुआ, अभी मैं थोड़ी देर और गर्म होने देती हूँ। पकौड़े हमने बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, बस छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं। पहले मैं इसे अलग निकालूंगी छलनी में, और फिर हम इसको डाल देंगे कढ़ी में। ठीक है, मैं इसके अंदर तेल गर्म होगा तो इसके अंदर जो जो चीज़ें जानी होगी मैं आपको। चलिए, एक टीस्पून मैंने डाला है ज़ीरा, अब हम डालेंगे ड्राई रेड चिलीज। ठीक है, बस इनको मैं थोड़ा सा ही भूनूंगी ऑयल में। ये हमारा तड़का रेडी हो गया है, अब मैं इसको डालती हूँ कढ़ी में। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कढ़ी रेडी हुई। अभी एक चीज़ तो जो सीक्रेट है इस कढ़ी का वो मैं आपको बताती हूँ। एक लेमन, दो टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस, ठीक है, ये आप इसमें डाल दें, कढ़ी जो है ना मस्त खट्टी हो जाएगी। ये हो गया, अब हम चूल्हा करते हैं बंद। ये देखें जी, हमारी पंजाबी कढ़ी पकोड़ा रेडी है, बहुत ही मज़े की और बहुत ही खट्टी खट्टी सी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए जी, अब हम लोग तो कढ़ी पकोड़ा खाते हैं, और आप लोग भी बनाएं और खाएं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त मेरी अगली वीडियो तक। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।